हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज आवर ट्रिग्नोमेट्री। तो पहली चीज तो हमको ये समझ लेनी चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। तो आप लोगों ने क्लास 10th में इसके बारे में थोड़ा बहुत स्टडी किया हुआ है। तो एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है बेटा? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है कि आप किसी भी ट्राइंगल की ज्योमेट्री के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? ज्योमेट्री ऑफ अ ट्राइंगल। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना? हम बात किसी करते हैं ज्योमेट्री ऑफ ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल की जो ज्योमेट्री होती है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, एंड दिस पार्ट इज डिफाइंड एज अ ट्रिग्नोमेट्री। ये सबको आप लोगों को पता है, ठीक है? तो एक्चुअल में ट्राइंगल की ज्योमेट्री में हो क्या सकता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ट्राइंगल अगर आपको कोई दिया गया है, इसका मतलब यह है कि कोई भी ट्राइंगल जिसका नाम हमने ABC लिख दिया, इस ट्राइंगल का नाम क्या लिख दिया हमने? ABC लिख दिया, जिसमें किसी भी एंगल, इस एंगल के बारे में बात करते हैं। एंगल क्या है? ये A है, ये एंगल B है, और ये एंगल क्या है? C है, ठीक है? तो अगर ये एंगल है तो इसके कॉरिस्पॉन्डिंग हम यहां पे साइड्स को लिखते हैं बेटा, स्मॉल लेटर्स लिख देते हैं। बी के सामने की साइड को क्या लिखेंगे? बी लिख दिया, और सी के सामने की साइड को लिख दिया स्मॉल सी, ठीक है? मतलब हम बात किसकी कर रहे हैं? ट्राइंगल की ज्योमेट्री के बारे में। तो इसमें आपको एंगल के बारे में भी बात करनी है, और इसी ट्राइंगल की साइड्स के बारे में भी आपको स्टडी करना है, ठीक है? तो सबसे पहला काम यह होता है कि हम लोग बात करें, जो कि क्लास 10 के बाद आप 11th में जब आप मूव करते हो, तो ये जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वो एक्चुअल में कनेक्ट करता है आपको, 10th टू 11th में कनेक्ट करेगा। एंड दिस टॉपिक इन द पार्ट ऑफ आवर ट्रिग्नोमेट्री इज डिफाइंड एज अ मेजरमेंट ऑफ अ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ठीक है? मतलब किसी भी एंगल का अगर आपको मेजरमेंट करना है तो उसे कैसे करना है उसके बारे में बात करनी है, ठीक है? तो चलिए फटाफट इसे कर लेते हैं। तो सिंपल सा है कि आपको ये पता है कि ये भाई कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है, इसे आप बोलते हैं x-axis या y-axis, x-axis या y-axis। ये होता है निगेटिव ऑफ एक्स, ये होता है हमने वाई डैश लिख दिया, ये निगेटिव ऑफ वाई होता है। इसका आप बोलते क्या है? ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। और इसका पॉइंट आप क्या लिखते हैं? 0-0 लिखते हैं, ठीक है? जो एक्स एक्सिस होती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, जो एक्स एक्सिस होती है इसे हम लोग इनिशियल लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनिशियल लाइन, ठीक है? अब बात होती है कि एंगल एक्चुअल में क्या होता है। तो इनिशियल लाइन के साथ कोई भी लाइन जो एंगल फॉर्म करते हैं, इसको दिस वन इज डिफाइंड एज एंगल, दिस वन इज डिफाइंड एज एंगल, ओके? तो एंगल का मतलब क्या है समझिएगा, एंगल का मतलब क्या हो सकता है? आप एलिवेशन बोल सकते हैं, मतलब इसका, इस लाइन का, इस लाइन के रिस्पेक्ट में कितना झुकाव है उसके बारे में बात कर सकते हैं, या इसी को बोलते हैं इंक्लाइनेशन। क्या बोल सकते हैं? इंक्लाइनेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो पहली चीज छोटी छोटी बातें ध्यान रखेंगे, इसको क्या बोलेंगे आप? इनिशियल लाइन। ये एक लाइन जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ध्यान रखिएगा हमेशा जब भी एंगल का मेजरमेंट होता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ होता है, ओके? अब बात आती है कि एंगल के मेजरमेंट किस टाइप से हो सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। अगर मान लीजिए आपने कोई एंगल एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, अगर आप इधर जा रहे हो तो इसे आप बोलते हो एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। और इस केस में जो एंगल का मेजरमेंट होता है वो प्लस थीटा होता है। क्या होता है? प्लस थीटा होता है। और यही बात अगर हम बात करें क्लॉकवाइज के केस में, अगर आपने क्लॉकवाइज लिया है, प्लस एक्स एक्सिस है, इसके साइड में हम इधर जा रहे हैं, तो इसी एंगल को आप माइनस लेंगे, और ये होता है क्लॉकवाइज, ठीक है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और दूसरा क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे तो एंगल प्लस थीटा होगा, क्लॉकवाइज में जाएंगे तो एंगल माइनस थीटा होगा। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगर ये आपको पता है कि क्लॉकवाइज ज्यादा एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा है, तो ये एक्स एक्सिस व्हिच इज इनिशियल लाइन, तो अगर इनिशियल लाइन है तो इस एंगल को बोलते हैं 0°। ये क्या होता है? अगर ये जो लाइन है, अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, मतलब ये ऑन द एक्स एक्सिस हो जाए, तो उसके बीच का एंगल क्या होगा? 0 होगा। अगर इसी को हम यहां पर लेके आ जाए तो एंगल कितना होगा? 90° होगा। इसको क्या बोलते हैं आप? 180° बोलेंगे, क्योंकि यहां से यहां तक एंगल कितना होगा?
180 डिग्री होगा। अगर हम और आगे मूव कर जाएं तो इसे क्या बोलेंगे आप, 270 डिग्री, क्योंकि 3 टाइम्स 90 ना। और अगर कंप्लीट मूव कर जाए, यहां से यहां तक मूव कर जाए, तो इसे बोलेंगे क्या, 360 डिग्री। इसका मतलब यह है कि जो एक्स एक्सिस है वो 0 भी हो सकता है, 360 भी हो सकता है, ठीक है। और अब फिर से हम इसे घुमा ले जाए, इसी लाइन को अगर हम फिर से चले जाए यहां पे, तो ये 360 प्लस 90 हो जाएगा, 360 से अधिक हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये है कि अगर आप एक राउंड ये कंप्लीट कर रहे हैं तो ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया 360 डिग्री। और फिर से आप यहां जा रहे हैं तो ये हो गया 360 प्लस 90 कितना हो जाएगा बेटा, 450। तो यही 90 भी है और यही 450 डिग्री भी है। सिमिलरली अगर आप यहां पे जाते हैं तो अगेन 90 ऐड कर दीजिए, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 540 हो जाएगी। इसी को आप क्या बोलते हैं, 180 भी बोलते हैं, ठीक है। फिर वापस यहां आ जाएंगे तो इसे फिर से 90 ऐड कर दीजिए। इस टाइप से ये सारे केस बनते हैं। ये 270 था, अब क्या आ गया, अगर आपने 90 ऐड कर दिया इसमें तो आ गया 630। अगेन फिर यहां चले जाइए तो ये वैल्यू कितनी थी बेटा, 0 थी, 360 थी, अब कितनी हो गई, अब ये 720 डिग्री हो जाएगी। तो ये कंप्लीट राउंड राउंड हमेशा चलते चले जाते हैं। अगर एंगल 360 से बड़ा है तो आपको सिंगल सर्कल में नाच लेकर के इसे और आपको और मूव कराना होता है और आगे जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप एंगल का मेजरमेंट कर रहे हैं। और ध्यान से रखिएगा, हमने जो एंगल का मेजरमेंट किया है सभी के सभी कैसे किए, एंटी क्लॉकवाइज किए, इसे सभी एंगल कैसे हैं, पॉजिटिव है। अगर बात करें कि अगर इसी एंगल का मेजरमेंट एक्स एक्सिस से करते, ये 0 होता बेटा, अगर हम क्लॉकवाइज करते तो यहां पे क्या था, ये माइनस 90 डिग्री हो जाता, यहां जाते तो माइनस का 180 डिग्री हो जाता, अगेन यहां जाते तो माइनस 270 हो जाता, और यहां जाते तो माइनस 360 हो जाता, ठीक है। तो ये रोटेशन कैसा है, क्लॉकवाइज जाता है। तो इसी टाइप से आप मूव कर सकते हैं, और जितनी बार रोटेशन करेंगे 90 ऐड करते चले जाइए, तो इस टाइप से इसका रोटेशन हो जाता है। ये बात समझ में आ रही होगी। तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव होगा, ये बात समझ में आ रही। चलिए ठीक, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई है। तो इसमें एक टर्म होता है बेटा, इसे बोलते हैं आप को टर्मिनल एंगल, को टर्मिनल एंगल। बहुत छोटी छोटी बातें बता रहा हूं मैं, ये सब कनेक्ट करेंगे, बेसिक है ये। टेंथ के बाद जब आप इलेवंथ में आते हैं तो क्या है, ये बेसिक है, ये टर्म्स यूज करने हैं। को टर्मिनल एंगल का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए एक एंगल हमने 30 डिग्री लिखा है और दूसरा एंगल हमने 390 डिग्री लिख दिया, एक एंगल 30 दूसरा एंगल 390 डिग्री लिख दिया, तो होगा क्या, हम यहीं पे कोऑर्डिनेट एक्सिस बना देते हैं, ठीक है। 30 डिग्री का एंगल जो होगा वो एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल ऐसा बना रहा होगा, दिस वन 30 डिग्री, ठीक है। अब बात करते हैं 390 डिग्री क्या होगा। अब समझते हैं, यहां से ये कंप्लीट आपका 360 होगा, ये कंप्लीट कितना हो गया, 360 हो गया। अब 360 में अगर आप 30 ऐड कर दें तो आप यहां आ जाएंगे, इसी लाइन पे तो आएंगे, मतलब 30 डिग्री और 390 डिग्री आर सेम एंगल। मतलब ये जो लाइन है, दिस लाइन इज सेम फॉर दिस एंगल एंड दिस एंगल। तो जब आपके पास इस लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, जो भी एंगल फॉर्मिंग लाइन है अगर सेम लाइन रिप्रेजेंट करती है तो इसी को बोलते हैं आप को टर्मिनल एंगल। क्या बोलेंगे, को टर्मिनल एंगल। अब आप बात समझिएगा, अच्छा इसी को अगर आप मान लेते माइनस का 330 डिग्री लिख देते, समझिएगा माइनस 330 डिग्री लिखा, तो अगर आप यहां से सॉरी 330 डिग्री, हाँ ठीक है, क्लॉकवाइज जाएंगे तो यहां से जब आप यहां तक जाते हैं तो ये होता है माइनस का 360, समझिएगा माइनस 360। तो अगर आप उसमें 30 ऐड कर दें, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, अगर आप 30 ऐड कर दें तो ये जो लाइन है ये लाइन अगेन माइनस 330 को रिप्रेजेंट कर देगी। अगर आप प्लस 30 कर दें तो ये लाइन क्या कर देगी, माइनस 330 को रिप्रेजेंट कर देगी। मतलब 30 डिग्री, 390 डिग्री एंड माइनस 330 डिग्री, दिस लाइन आर या दिस एंगल आर को टर्मिनल एंगल। बात समझ आ रही, मतलब एंगल का रोटेशन कितना भी हो जाए, ठीक है, एंगल का रोटेशन कितना भी हो जाए, अगर इसी में मान लीजिए हमने 360 और ऐड कर देते, 720 प्लस 30 कर देते, 720 प्लस 30 कर देते, तो 720 प्लस 30 मतलब 750,
ध्यान से देखिएगा, हमने यहां 750 लिख दिया। 750 का मतलब क्या होगा बेटा, समझिएगा, हमने ये सिंगल राउंड दिया 360 हो गया, अगेन एक राउंड दे दिया, ये हो गया 720, क्योंकि 360 360 720, और प्लस 30 कर लेते तो आप यहीं आ जाते, फिर से यहीं आ जाते, तो इसका मतलब क्या हो जाता, 750 डिग्री हो जाता। तो ये एंगल्स क्या चल रहा है, ये सारे के सारे एंगल्स अगर सिंगल कोऑर्डिनेट में देखे जाए तो सभी सेम एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, 30 डिग्री को, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए, ये सब के सब कोटर्मिनल एंगल्स है। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी आपको, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एंगल का रोटेशन ध्यान से रखिएगा, 0 90 180 270, अगेन 360 450 540 630 720, मतलब जितनी बार आप रोटेशन करेंगे उतना ही एंगल आप ऐड करते चले जाते हैं। यहां तक की बात होगी। अब बात करते हैं कि आपको एंगल का मेजरमेंट के बारे में तो बात होगी, लेकिन एंगल को मेजर किस किस टाइप से करते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। ओके, तो इसको समझते हैं, ठीक है। तो पहली चीज ये है कि टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं कि आप एंगल को कितने टाइप से डिफाइन करते हैं। तो एक तो होता है सेक्सागेसिमल, सेक्सागेसिमल होता है। दूसरा होता है सेंटी सिमल होता है, ठीक है। और थर्ड होता है इन सर्कुलर, ठीक है। एक सेक्सागेसिमल होता है, ध्यान से देखिएगा, इसको हम इधर डिग्री रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इन सर्कुलर यह हमेशा रेडियन में होता है, और इन सेंटीसिमल ये होता है इन ग्रेड, ठीक है। जल्दी इसका यूज बहुत होता नहीं है, तो मोस्टली हम यूज किसको करते हैं, एक तो सेक्सागेसिमल होता है और दूसरा सर्कुलर होता है। अब होता क्या इन डिग्री, आपने पढ़ा हुआ है क्लास 10 में, क्या होता है 30 डिग्री 90 डिग्री, ये सब चीजें पढ़ी हुई है आपने। तो होता क्या है कि भाई एक रेक्टेंगुलर सिस्टम को एक्स एंड वाई एक्सिस को हम लोगों ने 90 पार्ट्स में डिवाइड किया। ध्यान से देखिएगा, अगर हमने इसको 90 पार्ट्स में डिवाइड किया तो एक पार्ट की जो वैल्यू थी दिस वन 1 डिग्री, और इसको हम लोगों क्या बोला था 90 डिग्री। तो अगर सिंगल पार्ट में डिवाइड किया तो क्या हो गया 1 डिग्री हो गया। तो हम बात कर रहे हैं सेक्सागेसिमल के स्मॉलेस्ट यूनिट के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, इन अ 1 डिग्री देयर इज अ 60 मिनट, ये साइन मिनट का होता है बेटा, इन अ 60 मिनट, एंड अ 1 मिनट इज इक्वल टू द 60 सेकंड। ये ऑल द स्मॉलेस्ट पार्ट है, मतलब क्या हो रहा है 1 डिग्री को अगर इस पार्ट को अगर हम 60 पार्ट में डिवाइड करें, ध्यान से सुनिएगा, इसको अगर हम ऑल 60 पार्ट से डिवाइड करें तो हर एक पार्ट की वैल्यू जो होगी वो 1 मिनट की होगी, ठीक ना। अगर मान लीजिए ये पार्ट आ जाता है और इन 1 मिनट उसको भी अगर हम 60 पार्ट्स में कर रहे हैं तो हर एक पार्ट की वैल्यू क्या होगी 1 सेकंड होगी, ठीक है। तो एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है इसका कि भाई अगर मान लीजिए कोई एक यूनिट दी गई है 51.37 डिग्री दिया गया है, इसको हमें चेंज करना है, चेंज इन टू डी एम एस, डिग्री मिनट सेकंड, डिग्री मिनट एंड अ सेकंड। तो इसको कैसे कन्वर्ट करना है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिएगा ध्यान से, ये 58 डिग्री है, 0.37 डिग्री है, 0.37 मतलब 1 से कम है, मतलब डिग्री की वैल्यू 1 से कम होगी। तो 1 से कम है तो उससे स्मॉलेस्ट वैल्यू की बात करें, 1 से अगर कम है तो हम उसको मिनट और सेकंड में चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है अगर ये 58 डिग्री है प्लस आप कर सकते हो 0.37 डिग्री। अब डिग्री को क्या करना है, मिनट में चेंज करना है, समझिएगा, 58 डिग्री प्लस का 0.37 है, अगर हमने इसके 60 पार्ट्स कर दिए, अगर हमने 60 पार्ट्स किए तो ऑब्वियस सी बात है किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा मिनट में, क्योंकि 0.37 के हमने 60 पार्ट्स किए, ठीक है, 60 पार्ट्स हो गया तो क्या हो गया वो मिनट में चेंज हो गया। मल्टीप्लाई कीजिएगा, 58 डिग्री हो गया प्लस का, अगर आपने मल्टीप्लाई किया 22 ऐसा कुछ आएगा, 42 ठीक है, और ये 0 आ गया बेटा, डेसिमल कहाँ आ गया, ये आ गया,
ये हो गया मिनट में, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्ट, मतलब ये 58 डिग्री हो गया, प्लस इसे आप लिख सकते 22 मिनट प्लस 0.20 मिनट, मतलब मिनट में भी क्या आ गया, डेसिमल आ गया, तो ये मिनट से भी छोटा पार्ट हो गया, तो इसको हम क्या करें, इसको सेकंड में चेंज करते हैं। ये हो गया 58 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 0.20 इंटू 60, ध्यान रखिएगा 60 पार्ट किया, तो चेंज किसमें हो गया, सेकंड में हो गया, तो वह तो आगे 58 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस मल्टीप्लाई कीजिए बेटा 1200 और डेसिमल आ गया और ये आ गया सेकंड, मतलब वैल्यू आ गई 58 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 12 सेकंड, ठीक है, तो इसे हम लिखते हैं 58 डिग्री 22 मिनट एंड 12 सेकंड, मींस अगर आपको कभी भी डिग्री मिनट सेकंड में चेंज करना है तो 0.30 डिग्री इज इक्वल टू है 58 डिग्री 22 मिनट एंड 12 सेकंड, ये इसका आंसर है, डिग्री मिनट एंड सेकंड, ठीक है, क्यों चेंज किया, क्योंकि ये डेसिमल पार्ट है, 1 डिग्री से कम होगा, इसलिए उसे हमें मिनट और सेकंड में चेंज करना है, ये तरीका आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे आपने डिग्री मिनट सेकंड में आपने चेंज किया, तो कई बार आपसे पूछा जाएगा, हो सकता है, ध्यान रखिएगा ये सब चीजें एग्जाम्स में नहीं आती है, ये सब एग्जाम्स में जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ गया कहीं कहीं दिखा तो आप कैपेबल हो करने में कि भाई इसको, क्योंकि इसके यूजेज होते हैं, इसका यूज होगा कहीं ना कहीं आपको यूज मिलेगा, लेकिन चेंज करने को नहीं आएगा, हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको कहीं चेंज करना पड़ जाए, किसी क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट हो जिसमें आपको इसे चेंज करना पड़ जाए, इसलिए सब चीजें सीखी जाती है, ओके, तो ये आपने चेंज कर दिया। अब बात करते हैं कि अगर यही क्वेश्चन कुछ ऐसा होता कि भाई ये जो वैल्यू है, हमने बात की कि 58 डिग्री 22 मिनट एंड 12 सेकंड, ये टीएमएस है, इसको चेंज करना है डिग्री में, इसी को चेंज करना है डिग्री में, तो आप किस बात है, क्या करते हैं आप भाई, 60 से हर एक पार्ट को डिवाइड करेंगे, जैसे आपने मल्टीप्लाई किया तो स्मॉल पार्ट में आया, 60 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कैसे होगी, ग्रेटर पार्ट में आएगी, तो देखिएगा ध्यान से, ये 58 डिग्री है, 22 मिनट है और 12 सेकंड को अगर हमने 60 से डिवाइड किया तो ऑब्वियस सी बात है मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, 60 से डिवाइड किया तो यह आ गया 58 डिग्री 22 मिनट एंड इसे डिवाइड किया तो ये 0.2 मिनट हो जाएगा, ओके, तो ये वैल्यू आ गई 58 डिग्री 22.2 मिनट, ठीक है, रिड्यूस कर रहा हूं ऐसे, अब ये होगा 58 डिग्री 22.2, इसको हमने 60 से डिवाइड किया तो अब इसी बात है किसमें चेंज जाएगा बेटा, ये डिग्री में चेंज जाएगा, मिनट को 60 से डिवाइड कर रहा है तो वैल्यू कहां होगी, डिग्री में होगी, अब इसे डिवाइड करना है आपको 58 डिग्री, अगर आपको डिवीजन आता है तो 60 22.2 दिया गया है तो आप 60 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल आएगा और वैल्यू कितनी होगी, 3 टाइम्स आएगा 180 आ जाएगा, ठीक है, वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, यहां वैल्यू कितनी होगी 4 हो गई, 42 हो गया, ओके, वैल्यू कितनी आ गई 42, अब डेसिमल के बाद एक जीरो देखते हैं 0.7 आ जाएगा, 0.7 आएगा, मतलब वैल्यू आ गई 0.7 डिग्री, इसका मतलब हो गया 58.7 डिग्री है ये, ओके, तो आप डिग्री मिनट सेकंड में भी चेंज कर लेंगे, आप उसे वापस डिग्री में भी चेंज कर लेंगे इस टाइप से, ओके, अब बात आती है कि अगर आपको ये तरीका पता हो गया तो क्या हो गया, हमने क्या चीजें सीखी है कि भाई जो सेक्सागेसिमल है डिग्री को उसके स्मॉलेस्ट पार्ट में कैसे चेंज करते हैं। दूसरी चीज इससे कनेक्ट कर रही होगा, दूसरी चीज एक्चुअली हमने बताया कि भाई एक सर्कुलर सिस्टम होता है जिसकी यूनिट जो होती है वो रेडियन होती है, वो क्या होती है, रेडियन, ठीक है, अब रेडियन अगर है तो एक्चुअल में रेडियन होता क्या है इस बारे में बात कर देते हैं। तो एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला आपने शायद पढ़ा हुआ है, एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, ये पढ़ा हुआ है आपने, ठीक है, तो जब भी आपके पास ये बात होती है तो एंगल आर्क क्या होती है, लेंथ होती है, रेडियस क्या होती है, लेंथ होती है, दोनों चीजें क्या है, लेंथ है,
तो यहां पर जो एंगल होता है, यहां का जो एंगल का मेजरमेंट होता है वो इन रेडियन होता है, ध्यान रखिएगा इन रेडियन। तो जब भी इसकी वैल्यू आती है, जब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आर्क अपॉन रेडियस के थ्रू, तो यहां पर जो भी वैल्यू आती है वो इन रेडियन आती है। ओके, अब रेडियन है क्या, ये तो इसकी यूनिट होगी, लेकिन वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई करें, तो समझते हैं। ये जो मैं सर्कल पाते हैं, क्या है सर्कल है, तो हम एक सर्कल बना देते हैं, एक हमने सर्कल फॉर्म कर दिया, इसका सेंटर दे दिया। ये मान लीजिए कोई एक पॉइंट है पी, अब ये पी पॉइंट किसी पॉइंट पी डैश तक मूव कर जाता है, और यहां पे एंगल फॉर्म करता थीटा, एंगल क्या फॉर्म करता थीटा, इसकी रेडियस मान लीजिए आर है, रेडियस आर है, तो यहां पे थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो पी पी डैश अपॉन में आप क्या बोलते हैं ओपी बोलेंगे, क्या बोलेंगे पी पी डैश अपॉन ओपी, ये सब पता है आपको, ठीक है। लेकिन अगर इसी केस में ये मान लीजिए ये भाई ये जो पॉइंट पी है ये मूव करता हुआ इसके अपोजिट आ जाए, यहां पर अपोजिट आ जाए पी डैश, तो आपको मालूम है यहां पे एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री बनेगा, डायमीटर हो गया ना सर्कल का, तो ये क्या हो गया अपोजिट डायमीटर 180 डिग्री बन गया। अच्छा मुझे ये बताइए ये घूमा है तो यहां से यहां तक क्या होगा, ये इसकी आर्क होगी, ये क्या होगी आर्क होगी, और आर्क की जो लेंथ है वो सेमी सर्कमफेरेंस है, सेमी सर्कमफेरेंस है, और सेमी सर्कमफेरेंस जो होता है वो टू पाई होता है, सॉरी पाई आर होता है, पाई आर होता है, ठीक है। तो अगर हम यहां बात करें थीटा की वैल्यू एक्चुअल में है क्या बेटा, तो ये तो हो गया पाई आर, और रेडियस क्या है इसकी आर है, रेडियस क्या लिया है आर, ले जी आर आर कैंसिल हो गया, तो वैल्यू आ गई पाई इज इक्वल टू थीटा, और थीटा एंगल तो आपको पता है, एंगल क्या बन रहा है यहां पे 180 डिग्री, तो इसका मतलब हो गया पाई इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री, पाई इज इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री। तो देखिए ध्यान से 180 डिग्री है, और ये पाई जो है वो एक्चुअल में रेडियन है, क्योंकि सॉल्व किससे हुआ है भाई, थीटा जो था वो पाई है, और पाई क्या आता है इन रेडियन, तो वैल्यू क्या है पाई, मतलब 180 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई पाई हो जाएगी। तो ध्यान रखेंगे 180 डिग्री इक्वल होता है पाई रेडियन, 180 डिग्री इक्वल क्या होता है पाई रेडियन होता है, यहां तक की बात हो रही है, तो चीजें समझिएगा पाई इक्वल क्या गया 180 रेडियन। अब चीजें समझनी है, क्लास 10th में क्या किया होता, जितने भी एंगल्स आप लेते थे वो सभी के सभी किस फॉर्म में देते थे, डिग्री के फॉर्म में देते थे, लेकिन जैसे आप 11th में आते हैं चीजें थोड़ी सी चेंज होने लगती है, डिग्री को जल्दी रेडियन में यूज करते हैं, डिग्री क्या करते हैं रेडियन में यूज करते हैं, तो कई बार आपको रेडियन में क्वेश्चन पूछा जाएगा, कई बार डिग्री में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप लोग अवेयर हो कि भाई डिग्री की वैल्यू रेडियन में कैसे निकलती है, रेडियन की वैल्यू डिग्री में कैसे निकलती है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं और रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। तो एक चीज हमने समझी कि भाई पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री, इसका मतलब यह है कि अगर 1 रेडियन होगा, 1 रेडियन होगा तो 180 डिग्री अपॉन में पाई होगा, और ये वैल्यू क्या आएगी इना डिग्री आएगी, इना डिग्री आएगी। तो अगर बात की जाए कि भाई 1 रेडियन इज इक्वल टू दिस, तो x रेडियन इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू एक्स जाएगा, इना डिग्री होगा, ये कंप्लीट वैल्यू क्या आएगी इना डिग्री आएगी, ध्यान रखिएगा इना डिग्री। तो इसको डिग्री में अगर चेंज करना है तो सिंपल सी बात होगा, एग्जांपल्स देते हैं, मान लीजिए आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई पाई बाई सिक्स रेडियन, पाई बाई सिक्स रेडियन इज इक्वल टू कितना होगा, तो भाई 180 अपॉन पाई इंटू एक्स की तो क्या है पाई बाई सिक्स है, चेक कीजिए ना 30 डिग्री आ जाएगी, क्या जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा, ये फर्स्ट एग्जांपल दे दिया। सेकंड अगर मान लीजिए 2 रेडियन कहा जाए, तो 2 रेडियन का मतलब क्या है 180 अपॉन पाई इनटू 2, आप चाहें तो डायरेक्ट लिखेंगे 360 डिग्री डिवाइड बाय पाई डिग्री, या आप चाहें तो और भी चेंज कर सकते हैं, 360 अपॉन पाई का मतलब होता है 22 बाय 7, तो इनटू 7 ये डिग्री हो सकता है, ठीक है 22 अपॉन 7 लगा दिया। ओके मान लीजिए थर्ड ले जाए, माइनस का हाफ रेडियन बोला जाए, माइनस हाफ रेडियन,
तो माइनस हाफ करने का मतलब 180 अपॉन पाई इंटू माइनस का हाफ, और ये वैल्यू क्या आ गई, यहां डिग्री आ गई, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे 90 अपॉन में पाई होगा माइनस का और इधर डिग्री, और पाई की वैल्यू आप चाहें तो 22/7 लगा सकते हैं, ठीक है, ये हो सकता है। तो ये जो तरीके हैं वो क्या है, रेडियन को डिग्री में चेंज करने के। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए आपसे कहा गया भाई कि 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या है, पाई रेडियन है, पाई रेडियन है, तो इसका मतलब है 1 डिग्री इज इक्वल टू होगा पाई बाय 180 रेडियन होगा, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा इसमें, एक बहुत छोटी चीज है, डिग्री को जैसे आप जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो रेडियन को पावर में सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं पाई बाय 180 पावर सी, सी का मतलब क्या है, रेडियन है, ठीक है, तो सी से कंफ्यूज मत होइएगा, सी का मतलब क्या है, रेडियन। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू दिस, तो अगर एक्स डिग्री के बारे में बात की जाए तो इसका मतलब पाई बाय 180 इंटू एक्स रेडियन, ऐसा लिख सकते हैं, ओके। तो जैसे आपने जो जो एंगल्स यूज किए थे उसके बारे में बात करते हैं, पहले सिंपल आपने यूज किया था 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का मतलब क्या है भाई, पाई बाई 180 इंटू 30, इसका मतलब हो गया पाई बाई 6 रेडियन, पाई बाई 6 रेडियन हो गया। सेकेंड बात करते हैं 45 डिग्री, ये सब बहुत अच्छे से याद होने चाहिए आपको, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, 45 का मल्टीपल होता है 180, 4 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये पाई बाई 4 हो गया, पाई बाई 4 रेडियन हो गया। थर्ड 60 डिग्री, तो पाई बाई 180 इंटू 60 कर दिया, इसका मतलब हो गया पाई बाई 3 रेडियन, पाई बाई 3 रेडियन। फोर्थ अगर मान लीजिए 15 डिग्री कहा जाए आपसे, क्या जाए 15 डिग्री, तो पाई बाई 180 इंटू हो गया 15, तो पाई बाई कितना होता, 15 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 12 आ जाएगी, ओके। फिफ्थ कर देते हैं, मान लीजिए 75 कहा जाए आपसे, 75 का मतलब क्या हो गया, 15 इंटू 5, 5 का मल्टीपल है, तो पाई अपॉन 180 इंटू हो गया 75 डिग्री, तो 5 से 15 से कैसे कर देते हैं, तो वैल्यू कितनी आएगी, 5 पाई बाई 12 आ जाएगी, ओके। सिक्स सॉरी 90 डिग्री कहा जाए, तो 90 मतलब पाई बाई 180 इंटू 90, वैल्यू कितनी होगी, पाई बाई 2 होगी। तो इस टाइप से आपकी प्रैक्टिस इसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली टाइम आप रेडियन का यूज करेंगे। अब तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई 135 डिग्री कितना होगा, 135 डिग्री कितना होगा, तो 135 ध्यान से देखिएगा 45 का मल्टीपल होता है, 135 क्या होता है, 45 का मल्टीपल, तो 135 इज इक्वल टू आप देखेंगे पाई बाय 180 इनटू 135, 45 से कैंसिल किया 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, तो 3 पाई बाय 4 हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से आपको कन्वर्जन आने चाहिए। तो हमने क्या सीखा यहां पर कि रेडियन टू डिग्री, और यहां पे बात की हमने डिग्री टू रेडियन, ओके। तो इस पूरे पार्ट में आपके पास इंपॉर्टेंट चीजें जो थी वो डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री थी। स्मॉलेस्ट पार्ट में कन्वर्ट करना आना चाहिए आपको, ठीक है। एक फॉर्मूला हमने यूज किया, थीटा इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, और इसके ऊपर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको हम सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन के किस टाइप से कंडीशंस बन सकती है। हाँ, एक कंडीशन यहां पे और होती है, वो होती है क्लॉक की कंडीशन। क्लॉक, अब क्लॉक की कंडीशन क्या है, अब एक्चुअल में क्वेश्चंस ऐसे बन जाते हैं और ये रीजनिंग वगैरह में क्वेश्चंस आते हैं कि क्लॉक अगर दिया गया है आपको, कहा जाए कि मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच का एंगल अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके बारे में हम लोग को थोड़ी सी स्टडी करनी होती है, तो उसके बारे में भी छोटी छोटी बातें सीखेंगे कि कैसे करना है, ठीक है। तो उस पार्ट को भी हम लोग इसी में कंप्लीट करते हैं, देखते हैं उसको कैसे करना है, ओके। तो हम बात क्या करने जा रहे हैं, एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आर हैंड, ठीक है। यहां पे सेकेंड की हैंड के बारे में बात होती नहीं है, क्योंकि उसका जो मेजरमेंट होता है उसको हम लोग नहीं ध्यान देते हैं, ठीक है। क्योंकि एंगल जिसके बारे में बात होती है वो किसके बारे में बात होती है, मिनट हैंड और आर हैंड के बारे में बात होती है। और किसके बारे में होती बात की बेटा, ये क्लॉक का सिस्टम है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई 4:30 हो रहा है, तो 4:30 के बीच में अगर आप आर हैंड और मिनट हैंड के बारे में बात करें कि उसके बीच का एंगल कितना होगा,
उसके मेजरमेंट के बारे में बात हो रही है। ओके जैसे मान लीजिए किसी भी एक क्लॉक के बारे में हम बात करें, ठीक है, क्लॉक के बारे में बात करती है, वैल्यू 12 हो जाएगी, वैल्यू 3 है, यहाँ पे हमने 6 लिख दिया, बेटा यहाँ पे 9 लिख दिया, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11 एंड 12, ठीक है। मिनट हैंड और आर हैंड कुछ इस टाइप से कंडीशन दिखा देते बेटा, ठीक है। तो इस अगर पूरे एक सर्कल पाथ के बारे में बात की जाती है, कंप्लीट एंगल जो रोटेशन होता है, ये कंप्लीट रोटेशन कितना होता है, 360 डिग्री का होता है, और 360 के 12 इक्वल पार्ट्स होते हैं, 12 इक्वल पार्ट्स होते हैं, तो ईच पार्ट मतलब ईच पार्ट इन क्लॉक मेक एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 30, सॉरी 12 इज इक्वल होगा 30 डिग्री। मतलब ये हो गया कि हर एक पार्ट जैसे 3 और 4 इसके बीच का अगर हम एंगल देखें तो इसमें के बीच का एंगल कितना होगा, 30 डिग्री का होगा। ओके पहली चीज तो ये, सेकंड पार्ट अब समझिएगा, अगर मान लीजिए मिनट हैंड अगर कंप्लीट घूमता है तो इसका मतलब ये है कि मिनट हैंड एक कंप्लीट रोटेशन अगर करेगा तो उसे आप क्या बोलेंगे, 360 डिग्री का रोटेशन होगा। कितना होगा, 360 डिग्री रोटेशन होगा, लेकिन वो कितने मिनट मूव करेगा, 60 मिनट मूव करेगा। तो मिनट हैंड के बारे में अगर हम बात करें, मिनट हैंड अगर 360 डिग्री का रोटेशन करेगा, रोटेशन इन 60 मिनट, इन 60 मिनट ध्यान सुनिएगा, मिनट हैंड होगा वो कंप्लीट अगर रोटेशन करेगा तो रोटेशन में मिनट हैंड कितना, जो कितने मिनट मूव किया, 60 मिनट मूव किया, एंड यू नो 60 मिनट, यू नो 60 मिनट जो आर हैंड होगा वो कहां जाएगा, वो 12 की जगह पे कहां जाएगा, 1 पर आ जाएगा। मतलब आर एन कितना रोटेट हुआ, 30 डिग्री हुआ भाई, आर एन कितना रोटेट हुआ, 30 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया इन 60 मिनट, इन 60 मिनट आर हैंड रोटेट, इन 60 मिनट आर हैंड रोटेट कितना रोटेट करेगा, 30 डिग्री। कितना रोटेट किया, 30 डिग्री किया, implies that in 1 minute I have rotated 30 divided by 60 implies that half degree। मतलब 1 minute में R hand कितना rotate होता है, half degree rotate होता है भाई, direct तो नहीं पहुंच जाता है, धीमे धीमे जाता है, तो 1 minute में R hand कितना जाता है, half degree जाता है, ठीक है। ये basic चीजें हैं, अगर इनका ध्यान रखेंगे तो एंगल निकालने में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे अब हम कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात कर लेते हैं। एग्जांपल में आपसे बोला गया कि भाई 7:30 हो रहा है, 7:30 हो रहा है क्लॉक के अंदर, तो आप एंगल बताइए मिनट हैंड एंड आर हैंड के बीच में। तो भाई क्या करते हैं आप, एक क्लॉक फॉर्म करेंगे, ठीक है, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब बात होती 7:30, तो 7:30 मिनट हैंड ऑन द सिक्स्थ पोजीशन, मिनट हैंड कहाँ होगा, सिक्स पर होगा। 7:30 का मतलब है कि आप 7 और 8 के बीच में जा रहे होंगे, ये तो होगा। अब एक चीज सोचिएगा, अगर आप 7 पे जा रहे होते, कहाँ जा रहे होते, 7 पर, तो यहां से यहां तक के बीच का एंगल कितना होता, 30 डिग्री होता, लेकिन आप कितना आगे बढ़े हो, 30 मिनट आप आगे बढ़ गए, और 30 मिनट में आर एन कितना मूव करेगा, तो आपको पता होना चाहिए इन 30 मिनट आर हैंड रोटेट कितना होगा भाई, हाफ इंटू 30 मीन्स 15 डिग्री, कितना रोटेट हो गया, 15 डिग्री। अब ये 30 है बेटा, 7 और 6 के बीच एंगल कितना है, 30, और इसमें कितना आगे बढ़ गया आप, 15 डिग्री, आप आगे कितना बढ़ गए, ये 15 डिग्री, ध्यान से देखिएगा ये 15 डिग्री, तो टोटल एंगल कितना हो गया, एंगल कितना हो गया, मतलब एंगल, एंगल हो गया 30 डिग्री प्लस का 15 डिग्री, मतलब हो गया 45 डिग्री। सिंपल, ये तो एक एग्जांपल हो गया।
कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। आपसे बोला गया कि भाई 355 होता है, 355 होता है, तो कितना एंगल बनेगा देखते हो ना। 355 पर ये 3 हो गया 12 और यहाँ आ गया 11। 55 का मतलब है मिनट हैंड आपका यहाँ होगा, ठीक है, और ये 4 आर क्या होगा, वो 4 के पास में होगा, समझिएगा 4 के पास में होगा। ये हो गया 1 और 2। अब देखें तो यहां से 3 तक के बीच का एंगल कितना होगा, 11 से 3 के बीच का एंगल कितने गैप है, 1 2 3 4 4 गैप, और हर एक गैप कितना है 30 डिग्री, तो कंप्लीट 120 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया 120 डिग्री। अब बचा क्या, ये कितना आगे गया है, तो इन 55 डिग्री, इन 55 मिनट आर हैंड रोटेट 55 × 1/2 मीन्स हो गया 27.5 डिग्री, 27.5 डिग्री होगा। मीन्स टोटल एंगल क्या आएगा, एंगल क्या आएगा, एंगल होगा इसका 120 + 27.5 मीन्स 147.5 डिग्री। इस टाइप से आप सोल्यूशन निकालते हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स निकालते हैं। बात समझ में आ रही है, बहुत छोटा सा आर्टिकल है कि आप मिनट हैंड एंड आर हैंड के बीच का एंगल कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, एक एग्जांपल होते हैं क्या, एक एग्जांपल होते हैं। आपसे पूछा गया भाई 240 या 240, ठीक है, 240 के बीच का एंगल बताइए, 240 में आर हैंड और मिनट हैंड के बीच का एंगल बताइए, बना दे जाए, तब तक आप भी ट्राई कीजिए, ठीक है। यू गेट 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 240 का मतलब ये हो गया, 240 मतलब आप मिनट हैंड 8 पे होगा, और 240 का मतलब आप यहां कहीं होंगे, ठीक है, इस टाइप से होगा। तो अच्छा देखिएगा, 8 और 2 ये जस्ट दोनों अपोजिट एंगल्स होते हैं, अपोजिट लाइंस होती है, इसके बीच का एंगल कितना हो गया 180 हो गया, ये टोटल एंगल कितना हो गया 180। अगर आप इस स्टेप्स देखेंगे तो ये एंगल कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। आप ये देखिएगा 40 मिनट आर एन कितना मूव करेगा, इन 40 मिनट आर एन मूव करेगा, इन 40 मिनट, इन 40 मिनट आर है रोटेट होगा, हाफ से मल्टीप्लाई किया 40 में, मतलब कितना हो गया 20 डिग्री, कितना आ गया 20 डिग्री आ गया, समझिएगा। अगर ये 20 डिग्री, ये कंप्लीट कितना है 180 डिग्री है, ये 20 है, तो कितना लिख सकते हैं आप 160 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं 160 डिग्री, ये लिख सकते हैं। अदरवाइज आप अगर आप इस टाइप से मूव कर रहे हैं इधर से, तो 180 में आप 20 को ऐड कर देंगे, 180 में 20 ऐड हो जाएगा, मतलब 200 डिग्री भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है, तो इस टाइप से आप एंगल का मेजरमेंट करेंगे इसमें, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग कि जो डिग्री मिनट सेकेंड रेडियन इन सब का यूज, और थीटा इज इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन लिख लेते पहले, हाँ मेरा बात कर लेते कुछ क्वेश्चंस के बारे में, और क्वेश्चंस जो है बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो फाइंड इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन लिखा हुआ है, और दूसरा है ऑक्टागन, ठीक है, मतलब हमें इंटीरियर एंगल के बारे में बात करनी है। तो एक बहुत छोटा सा एक फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान रखना है, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू होता है n − 2 × π radian, ध्यान रखिएगा, है ना, रेडियन, n − 2 × π radian होता है। तो अब बात क्या हो रही है कि अगर मान लीजिए एक पेंटागन के बारे में बात की गई है, तो इसमें साइड्स कितनी होती है बेटा, 5 साइड्स होती हैं, ठीक है। तो अगर 5 साइड्स हैं तो 5 − 2 × π कर दिया जाए, या 180 डिग्री कर लीजिए, तो इसका मतलब हो गया 3π, और π का मतलब कितना हो गया बेटा 180 डिग्री,
मीन्स ये वैल्यू होगी 540 डिग्री होगी। ये तो टोटल एंगल का सम हो गया। सिंगल एंगल के बारे में बात कर रहे हैं तो एंगल जो होना चाहिए ईच एंगल इज इक्वल टू होगा 540 डिग्री डिवाइड बाय 5 मीन्स आएगा 108 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि आपके पास 5 साइड्स हैं तो 5 एंगल्स फॉर्म हो रहे होंगे। 108 डिग्री कहा जाए, या अगर हम इसे रेडियन में चेंज करना चाहें, सोचिएगा अगर रेडियन में चेंज करना चाहते तो हम यहाँ पे पाई से डिवाइड 5 से डिवाइड कर सकते थे, 5 से डिवाइड कर सकते थे, समझिएगा 3 पाई डिवाइड बाई 5 कर दिया तो ये ना रेडियन हो जाता, इन रेडियन हो जाता इंटीरियर एंगल की वैल्यू। तो अगर इसी की टाइप से अगर बात करें ऑक्टागन की, ऑक्टागन की बात करें इसमें साइड्स कितनी होती है, 8 साइड्स होंगी। अगर 8 साइड्स हैं तो आप देखिएगा 8 - 2 × π कर दिया गया तो हो गया 6π, मतलब इंटीरियर एंगल का सम क्या हो गया 6π हो गया। तो ईच एंगल के बारे में बात की जाए, ईच एंगल तो ईच एंगल का मतलब हो गया 6π डिवाइड बाई 8 कर सकते हैं और इसे लिखेंगे 3π/4 तो इस टाइप से आप एंगल्स को निकाल सकते हैं अगर आपको ये फॉर्मूला मालूम है तो। और इस फॉर्मूले को आप अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि इसका यूज बहुत होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन, 360 टाइम रिवॉल्व हो रही है पर मिनट, हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन टर्न हो रही होगी, तो इस चीज को समझिएगा। अगर कोई व्हील अगर कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन करता है तो उसका एंगल जो रोटेशन का होता है वो 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, या इसे हम बोल सकते हैं 2π बोल सकते हैं भाई, क्योंकि एक अगर बात करें कंप्लीट रिवॉल्यूशन की तो आप 360 डिग्री बोलेंगे, या इसे क्या बोलेंगे, ये पाई होता है तो ये कंप्लीट क्या हो गया, पाई हो गया, इसे क्या बोलेंगे, 2π बोलेंगे इन 1 रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर 360 रिवॉल्यूशन करता है, क्या करता है 360, तो इन 1 मिनट, ध्यान से सुनिएगा, इन 1 मिनट वो 360 टाइम रिवॉल्व होता है, तो इन 1 मिनट इट टर्न 360 × 2π मीन 720π रेडियन। इतने टाइम ये रिवॉल्व हो रहा है, 360 टाइम से अगर रिवॉल्व हो रहा है तो कितना रेडियन रिवॉल्व हो रहा है, 720π हो रहा है। तो इन 1 मिनट कहा गया बेटा, इन 1 मिनट मतलब इन 60 सेकंड कहा गया, तो इन 1 सेकंड कहा गया है तो आप क्या करेंगे, 720π डिवाइड बाई 60 कर देंगे। ठीक है, 60 डिवाइड कर दिया तो सिंपल सी बात है बेटा, कट कर दीजिए कितना आएगा, 12π। ठीक है, कितना आएगा, 12π, मतलब इन 1 सेकंड वो कितना रिवॉल्व हो रहा है, 12π। क्लियर है, ठीक। तो सेकंड क्वेश्चन इस टाइप से हो जाता, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एंगल इन रेडियन, फाइंड एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब लेंथ ऑफ आर्क इज 10 सेंटीमीटर। आर्क क्या बताइए, ठीक ना, क्या है आर्क है, तो सिंपल सा एक पेंडुलम दिया गया है, ध्यान सुनिएगा, एक पेंडुलम दिया गया भाई, पेंडुलम स्टेट क्लॉक है, और इसकी जो लेंथ दी गई है वो लेंथ कितनी है, लेंथ है 75 सेंटीमीटर, और उसका टिप जो है वो आर्क ऑफ लेंथ कितने बना रहा है, 10 सेंटीमीटर बना रहा है, तो 10 सेंटीमीटर मतलब कुछ इस टाइप से ये स्विंग कर रहा है।
ठीक है, स्टेप्स ये स्विंग कर रहा है और ये लेंथ आपका कितनी है 10 सेंटीमीटर है। तो आप इससे पता करिए स्विंग करेगा तो एक सर्कुलर पाथ पे जाता है, किस टाइप से पाथ पे जाता है, सर्कुलर पाथ पे जाएगा। उस केस में अगर रेडियस के बारे में बात की जाए तो रेडियस क्या होगी 75 सेंटीमीटर और आर्क क्या है 10 सेंटीमीटर। तो एंगल थीटा इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन क्या होता है रेडियस, आर्क की लेंथ क्या है 10 सेंटीमीटर, 75 हो गया, डिवाइड करेंगे तो ये 2 बाय कितना हो जाएगा 5 से कट किया 2 बाय 50 और ये वैल्यू किस में आती है इन रेडियन आती है, इन रेडियन आती है वैल्यू। ठीक है तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ये। नेक्स्ट देखिए, अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 7.5 सेंटीमीटर, सर्कुलर वायर है जिसकी रेडियस क्या है 7.5 सेंटीमीटर रेडियस है, ठीक है, इट कट एंड बेंड, इसको कट कर दिया गया। अब जैसे ही सर्कुलर वायर को कट करेंगे तो क्या होगी, एक वायर स्ट्रेट वायर बन जाएगी एंड बेंड सो एज टू लाई अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ हुप हुज रेडियस इज 120 सेंटीमीटर। रेडियस क्या है बेटा 120 सेंटीमीटर, रेडियस का एक हुप बना रहा है, हुप का मतलब समझिएगा थोड़ा सा कुछ इस टाइप का बेटा, ये है दिस इज द हुप, मतलब हुप का मतलब क्या हो गया आर्क हो गया, हुप का मतलब क्या है हुप या इसे क्या बोलेंगे आर्क बोलेंगे। ठीक है अब इस आर्क के लिए जो रेडियस है वो है 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर है और फाइंड एंगल एट द सेंटर ऑफ हुप, आपको थीटा पता है तो सिंपल सी बात है ये हुप की लेंथ क्या होगी, इस आर्क की लेंथ क्या होगी, इस आर्क की जो लेंथ होगी, अब ये आर्क किससे बना है इस वायर को ब्रेक किया इसी से बना है तो वायर की जो लेंथ है वो इसकी सर्कमफेरेंस के इक्वल होगी तो इज इक्वल टू होगा आर्क की वैल्यू सर्कमफेरेंस। अब सर्कमफेरेंस कितना है 2 पाई आर, आर इज इक्वल टू कितना हो गया 7.5 हो गया। ठीक है चलिए तो एंगल के बारे में बात करते हैं, थीटा इज इक्वल टू होगा आर, आर 2 पाई इंटू 7.5 डिवाइड बाय रेडियस 120, कट कर सकते हैं 60 आएगा, वैल्यू चेक कर लीजिए 7.5 पाई डिवाइड बाय 60 इन रेडियन, ये एंगल आएगा बेटा। अगर आप चाहें तो इसे और कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन आपको समझ में बात आ गई है कि किस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है तो ये चारों क्वेश्चन हो गए हमारे, ठीक है कुछ क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है फिर बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की, दैट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जिसका यूज आपने क्लास 10th में किया हुआ है। ठीक है क्योंकि इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली स्टार्ट वहीं से होती है, हम लोग यहाँ पे क्या करें बहुत बेसिक पार्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सेम लेंथ ध्यान से सुनेगा, आर्क ऑफ सेम लेंथ इन टू सर्कल, दो सर्कल दिए गए ठीक है ना, हमने टू सर्कल्स ले लिए बेटा कुछ स्टेप्स ले लिए, ठीक है और इसमें कहा गया आर्क ऑफ सेम लेंथ, हमने कुछ पार्ट्स ले दिया बेटा, जैसे हमने यहां पे ले लिया ए बी और यहां ले लिया पी की, इन दोनों की लेंथ सेम है। ठीक है सबस्टेंड एंगल 60 डिग्री एंड 110 डिग्री, यहां मान लीजिए 60 डिग्री है ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री एंड 110 डिग्री है तो ये एंगल जो दिया गया है दिस वन 110 डिग्री। ठीक है एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, रेडियाई का रेशियो निकालना है तो अगर मान लीजिए ये R1 है और ये R2 है रेशियो, तो सिंपल सा है कि आर्क इज इक्वल टू होता है एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, R2 लिख लिया यहां पे ठीक है ना, यहां पर थीटा 2 दे दिया, ऐसे थीटा 1 की बात की जाए यहां से बात कर लेते हैं, बात कर लीजिए बेटा पी क्यू अपॉन क्या हो गया R1 हो गया, पी क्यू अपॉन R1 हो गया। अब आपको मालूम है कि ए बी इज इक्वल टू है पी क्यू, बहुत सिंपल सा काम, ए बी और पी क्यू वैल्यू इक्वल है, इसका मतलब हो गया थीटा 2 इंटू R2 इज इक्वल टू होगा थीटा 1 इंटू R1 होगा। ठीक है मींस क्या होना चाहिए बेटा आपको R1 R2 का रेशियो निकालना है, R1 अपॉन R2 की जो वैल्यू होगी वो थीटा 2 अपॉन थीटा 1 होनी चाहिए, मींस वैल्यू क्या आएगा थीटा 2 की वैल्यू कितनी 110 डिग्री,
थीटा 1 की वैल्यू क्या होगी 60 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, हम लोगों ने यहाँ पे रेडियस और यहाँ पे जो वैल्यू है वो एक्चुअल में रेडियन में होती है, रेडियन में होती है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपके पास अगर रेडियन में भी चेंज करेंगे ना तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, क्योंकि दोनों का डिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो आप चाहें तो रेडियन पहले कन्वर्ट कर लीजिए, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कर दीजिए और इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 11/6 का रेशियो, 11/6 का ये रेशियो आ जाएगा। तो R1 और R2 का जो रेशियो आया वो क्या है, 11:6 आया है, ये रेडियाई के बीच का रेशियो आ जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है उसको देखा जाए पहले, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है, द मून्स डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ इज 360,000 किलोमीटर, ठीक है, एंड इट्स डायमीटर सबस्टेंड एन एंगल ऑफ 31 मिनट दिया गया था, मिनट एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, मतलब कोई बंदा है वो मून को देख रहा है, ठीक है ना। अगर मून को देख रहा है तो कुछ इस टाइप की कंडीशन होगी बेटा, आपने क्या किया, ये मून की कंडीशन बता दी, ये मून की कंडीशन होगी, ठीक है ना। अब ऑब्जर्वर जो है वो अर्थ पर है, कहां पर है, अर्थ पर, इसकी डिस्टेंस कितनी है 360,000 किलोमीटर, ठीक है। अब ये ऑब्जर्वर है, अब इसका जो डायमीटर है ध्यान से किया, एंड इट्स डायमीटर सबस्टेंड एन एंगल 31 डिग्री मिनट, ये डायमीटर है, इस डायमीटर को मान लीजिए ये ए बी डायमीटर है और पी पॉइंट पर कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, मून को देख रहा है। अब बात ये होगी कि एंगल, फाइंड द डायमीटर ऑफ द मून, डायमीटर ऑफ द मून, अब सोचिएगा डायमीटर ऑफ द मून कहा गया, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि ये डायमीटर है, ठीक है। अगर हम बात करें कि इसको अगर ज्वाइन किया जाए कुछ इस टाइप से, ये हम एक सर्कल फॉर्म कर देते बेटा, एक सर्कल पाथ, मतलब क्या हो गया, इसको हमने ए पी बी कर दिया, अगर मान लीजिए ए पी बी क्या है, आर्क है, इसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें एपी क्या है, एपी भी क्या हो गया, आर्क हो गया, तो ये एपी भी आर्क होगा, वो लेंथ लगभग में सेम होगा एपी की लेंथ की, क्योंकि डिस्टेंस इतनी ज्यादा है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इस आर्क की लेंथ को इस एपी की लेंथ के इक्वल मान सकते हैं, क्योंकि बहुत माइन्यूट सा ही गैप है बेटा, क्योंकि मान लीजिए बहुत लंबा एक सर्कमफेरेंस है, ठीक है ना, बहुत लंबा सर्कमफेरेंस है। और अगर हम बात करें इस पार्ट के बारे में, इस बहुत छोटे से पार्ट के बारे में, इस छोटे से पार्ट के बारे में, तो ये जो आर्क होगी और इसकी जो लेंथ होगी, ये लेंथ लगभग में सेम होगी इस आर्क की लेंथ और इस डायमीटर की लेंथ की, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट अभी भी वही है कि हमारे मान लीजिए यहाँ पे 31 मिनट का एंगल दिया गया है, तो थीटा इज इक्वल टू 31 मिनट, या इसे आप क्या करेंगे, इसको चेंज करते हैं डिग्री में, तो 31/60 का दिया गया इन डिग्री इनटू, आप चाहें जिसे रेडियन में भी चेंज कर सकते हैं, पाई बाय 180 रेडियन हो जाएगा, तो एंगल जो हो गया वो इतना रेडियन हो गया, 31/60 इनटू पाई बाय 180 रेडियन इज इक्वल टू आर्क, आर्क अदरवाइज आप इसे डायमीटर बोल देंगे, तो डायमीटर डिवाइड बाय 360,000, ठीक है। और यहां से आप डी की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, 31 pi into 360,000 किलोमीटर डिवाइड बाय 60 into 180, तो जो डायमीटर आएगा वो आपका इससे निकल जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही, क्योंकि डिस्टेंस इतनी ज्यादा ना बेटा कि इस आर्क को इस डायमीटर की लेंथ इक्वल कर सकते, क्योंकि बहुत लेंथ के बारे में बात की गई और ऑब्जर्वर जो है अर्थ पर है, ठीक है ना, ऑब्जर्वर कहाँ है, अर्थ पर है, अर्थ से इसकी डिस्टेंस के बारे में बात की जा रही है, तो बहुत डिस्टेंस हो जाती है, तो वहां पर इस आर्क और ये जो लेंथ होती है इस लेंथ को हम लोग लगभग में सेम मान सकते हैं और फिर ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, बात समझ में आ रही है, ओके। चलिए तो इस पार्ट के बारे में हम बात कर ली है, अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, आप प्रैक्टिस की